जो घटना, जो हादसा, जो दरिंदगी हम लोगों ने देखने का काम किया है, उसके बाद से हम लोगों का खून खौलता है और सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदगों को हम लोग फांसी के जल्द से जल्द चढ़ाने का काम करें और उन बच्चियों के साथ हम लोग इंसाफ और न्याय कराने का काम करें और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर स्टेज पे पहुंचे हैं क्योंकि हमारे चाचा का अंतरात्मा नहीं जागा। हमारे चाचा वरना बात बात पे उनकी अंतरात्मा जागा। अंतरात्मा इसलिए नहीं जाग रहा है, कहते हैं सुशासन का राज है, कानून का राज है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश जी, चाचा जी, आपसे कुछ सवाल है। जो देश की जनता जो आक्रोशित है, जो हादसा जो बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान दुनिया भर में चर्चा हुआ है, आपसे जवाब चाहती है। और मैंने आपको बोला था कि आपकी चुप्पी को तोड़वा के रहूंगा। आपने कल आपने चुप्पी तोड़ी, आपने कहा कि आपको दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन फिर भी ब्रजेश ठाकुर पे आपने FIR के नाम क्यों हटवाने का काम किया? ये मुख्यमंत्री है, ये हमारे चाचा है जो सुशासन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। पूरी तरीके से मैं बिहारी होने के नाते मेरा सर्व माथा सर्व से झुक गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जंगल राज नहीं, राक्षस राज आ गया है। तेरी दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, रावण सीता का अपहरण कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।